श्री राम। महाशय जय श्री राम। जय श्री राम। हे महाशय, मुझे प्यास सता रही है, अतः मुझे थोड़ा सा जल मिल जाए तो मेरी प्यास बुझ जाएगी। हे राम भक्त, यहाँ पर सरोवर है, वहाँ पर जाकर जल ग्रहण कर लो और स्नान भी कर लो, फिर इस साधु से दीक्षा ले लेना। जो आज्ञा महाशय, मुझे लगता है कि आप इस कमंडल से हमारी प्यास बुझा दें। और 21 रुपया पवन प्रजापति की तरफ से आए, बहुत बहुत धन्यवाद। हे महाशय, इस कमंडल में तो बहुत थोड़ा सा ही जल है, अतः मुझे सरोवर के पास ही जाना चाहिए और मुझे वहीं पर अपनी प्यास बुझा लेना चाहिए। सरोवर के पास जाइए और अपनी प्यास बुझा लीजिए। कहे कपि मुनि गुरु, मैं तो राम ही राम पुकारूं, राम नहीं मेरी सुध। कपि दस तारा सिपाए हे पवन पुत्र हनुमान जी, यह कोई साधु नहीं है, यह रावण का भेजा हुआ सेवक है, सो आप इसकी बातों में ना लगें और श्री राम जी का कार्य पूर्ण करें। जो आज्ञा। कह कपि मुनि गुरु, दीक्षा ले हूं पाछे के। हाँ महाशय, जल में संतुष्टि मिली, आपकी पेट तृप्त हुआ। हाँ महाशय, अब बैठ जाओ और इस ब्राह्मण से दीक्षा ले लो। हे ब्राह्मण देवता, पहले आप हमसे गुरु दक्षिणा ले लीजिए, बाद में मुझे गुरु दीक्षा देना। कैसी बात करते हो राम भक्त, पहले दीक्षा दी जाती है उसके बाद दक्षिणा दी जाती है। नहीं महाशय, नहीं। जय श्री राम। मुझे इस पर्वत पर समझ नहीं आ रहा है कि जो वैद्यराज ने मुझे बूटी बताई थी वह कौन है, अतः मुझे इस पर्वत को ही ले जाना चाहिए जिससे विलंब ना हो। जय श्री राम। देखत से दुष्ट है जो इतना विशाल पर्वत लिए जा रहा है, कहीं ये अयोध्या नगरी बना गिरा दे, इसे यहीं
पानी पर रोकना चाहिए। बिकुल बिलोक की से और लावा, जागत नहीं बहु भांत जगावा। मुख मलिन मय भय दुख हारी, कहत वचन भरी लोचन भारी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यह महामंत्र की मधुर धुन आवाज लगाई है किसने, मेरी रग रग में नस नस में बिजली दौड़ाई है किसने। जिसने यह नाम पुकारा वो होगा सचमुच उनके चरणों में। जितना रस पुकार में है नहीं बजारों की पुकारों में। यह बेदरा में विमुख मोह कीना, तेह पुन ऐ दारो दुख दीना। जिस विधाता ने मुझे श्री राम जी से अलग किया है उसी ने यह दर्द दुख दिया है। जो मोरे मन बच अरुकाया, प्रीत राम पद कमल अभाया। अगर मेरे कर्म वचन और धर्म में प्रभु श्री राम जी के चरणों में है।